बसपा नेता पिंटू सेंगर की गोली मारकर हत्या, कई राउंड फायर झोंक जाने की खबर। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र का मामला। पूर्व मुख्यमंत्री बसपा प्रमुख मायावती को चांद पर जमीन देने वाले चर्चित बसपा नेता है पिंटू सेंगर। पूर्व सपा जिलाध्यक्ष चंद्रेश सिंह के घर के बाहर चली कई राउंड गोली, जिसमें गंभीर हालत में हमले का शिकार हुए बसपा नेता पिंटू सेंगर को रीजेंसी हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। प्रॉपर्टी डीलर का अभी चार अज्ञात युवाओं के द्वारा दो मोटरसाइकिल में पीछा किया है। यहां पे वो इनोवा गाड़ी से जैसे उतरे हैं उनके ऊपर गोलियां चलाई गई है और फिर उसे पीछे लौट के भाग गए थे। घायल पिंटू सेंगर को पुलिस के द्वारा हॉस्पिटल ले गए हैं, वहाँ पे डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। सर, मौके से कारतूस भी बरामद हुए, कितने कारतूस, क्या कौन से कारतूस बरामद हुए और कितने राउंड गोली चलने के बाद अभी तक सामने आई है? अभी तक सामने ऐसे मतलब 5-6 के ऊपर गोलियां चलने की बात कही गई है। मौके से उतने ही काली मतलब खोखा भी 32 बोर का बरामद हुआ है। तो हम लोग अभी मौके से जो ट्रायल्स पकड़ेंगे और जल्दी से जल्दी इसका वर्कआउट। प्रथम दृष्टया क्या समझ में आया, हाई प्रोफाइल मामला है, प्रथम दृष्टया क्या समझ में आया? इलाके में दहशत फैल गई, लगातार दूसरे दिन भी गोलियों की गूंज सुनाई दी। कल शुक्ला गंज में बदमाशों ने पत्रकार को गोलियों से भून दिया था। आज कानपुर में बसपा नेता पर हमला हुआ, कई राउंड गोलियों की तड़पुड़ाहट से चकेरी क्षेत्र थरा उठा और ताबड़तोड़ आपराधिक वारदातों से कानपुर हिल गया। नवागढ़ तक एक्सएसपी को बदमाशों ने दी आपराधिक सलामी।